तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूं और आज के इस वीडियो में अपने फार्म पे हमने लोग जो तीन साल में कमाया है, हम अपने फार्म पे तीन साल में जो कमाया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्या हमने कमाया है। यहाँ पर आप जो हमारी बछड़ियों को देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वालिटी की बछड़ी और एक बछड़ी का बहुत ही अच्छा प्राइज़ मिल रहा है, लेकिन मुझे सेल नहीं करना। अच्छा प्राइज़ बोल सकते हैं लेकिन मुझे सेल नहीं करना। कितना मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फार्म की वीडियो की शुरुआत हम इस तरफ से करेंगे। यहाँ पे आप हमारी गायों को देख सकते हैं, सब खाना वगैरह खाने के बाद बैठ कर आराम कर रही है। हमने आज दो दिन बाद अपने फार्म को धुल दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यार। थोड़ा कचरा देखने में भी मुझे भी अच्छा नहीं लगने लगा है। अब तो मुझे लगा कहीं डिस्चार्ज तो नहीं गई है, मैं बराबर देखते रहता हूँ ऐसे, लेकिन डिस्चार्ज नहीं है। और एक चीज़ और वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जो रेड देख रहे हैं ना, रेडनेस, ये रेडनेस होना चाहिए। अगर ये येलोपन है, अगर इस तरह का कलर येलो जैसा दिख रहा है ऐसा, तो ये समझ लेना आपकी गाय को कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी हो रही है और उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अपने भाषे में पीलिया जैसा हो जाना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हो जाता था पहले, मेरी गायों को होता था ऐसा। बहरहाल आज के इस वीडियो में यहाँ पे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अपने फार्म की। जो भी गायें हैं, मात्र तीन गाय और एक वो चार गाय मिल्किंग में है, उससे ही अच्छा खासा दूध निकाल ले रहे हैं हम लोग। आ जाते हैं अपनी बछड़ियों की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब बछड़ी जो हम लगभग तीन साल जो फार्मिंग कर रहे हैं, पहले तीन साल को हम लोगों ने ब्रीडिंग स्टार्ट की जब से 40/16 लगाया, वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है हम लोगों को, जैसा कि दो साल के करीब में हो रहा होगा। जैसे ये बछड़ी जो हम लोग की आई 40/16 की, इसके साथ एक बछड़ा भी आया था जो हमने जो एक्सपायर कर गया था। बहरहाल दो बछड़ी आई थी 40/16 की, यानी दो साल से जब हमने बिजनेस इस फार्म को ब्रीडिंग पर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो इस तरह से ही बछड़ियाँ तैयार होती है ब्रीडिंग जब आप करने लग जाओगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने मात्र दो से तीन साल में यही कमाया है। जो आप बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि एजाज भाई का फार्म जो है हमेशा इज्जू का फार्म लॉस में ही रहता है, आप ये गलत फहमी में हो। आपको बस दो साल और रुक जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है एजाज, क्या है ब्रीडिंग। मात्र दो साल और रुकने की ज़रूरत है, जब इनके बच्चे आ जाएंगे और बच्चे जब मिल्किंग में आ जाएंगे तब मज़ा आएगा आप लोगों को भी देखने में, और फिर आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इज्जू सही था और हमने ब्रीडिंग को छोड़ के गलती किया। अब जैसा कि अब हम लोग बात करें अपनी इस बछड़ी की, ये अंटी की बछड़ी, आप हाइट देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो हाइट देखो, कंधे के बराबर हो गई है। यानी इससे आपको ये समझ में आ रहा है कितना हाइट में, कितना वेट में जब बच्चा देगी ये, तो दिल खुश हो जाएगा। इसका दाम एक बंदा 90,000 रुपये देने के लिए तैयार है, और एक कॉमेंट भी किया था कि 70,000 में मुझे दे दीजिए। जब मैंने देखा तो मेरा तो मन खुश हो गया कि मेरी बछड़ी को 90,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन मुझे बेचना तो नहीं है बहरहाल, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं तो बेच कैसे सकते हैं। ये बछड़ी का 90,000 रुपये दाम मिल रहा है, जो कि अनब्रीड है। ये अनब्रीड मीन्स ये खुद SAG का है, लेकिन इसके अंदर अंटरेस लगा हुआ है, ये सच्चाई है। आप ये समझ लें कि अगर आप ब्रीड पर जा रहे हैं, आज अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब से जो गाय लाने की बात करते हैं, जाकर खरीद कर लाते हैं, तो उनको सब पता होता है कि भाई कौन सा गाय खरीदना चाहिए, लेकिन प्राइस जो है वो कम होने के ज़्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं पाते। जैसा कि अगर हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया भी था कि 2,70,000 रुपये में खरीद कर एक बंदा गुजरात के अंदर बछड़ी लेकर गए थे, मात्र इतना ही हाइट थी उसकी, लेकिन बॉडी वेट उसका 700 या 800 केजी पे शायद वो काविंग की थी, यानी बच्चा दी थी, पूरी मोटी तगड़ी 2,70,000 में। कहीं ना कहीं फार कितना भी बिचौले से यानी एजेंट के थ्रू खरीदा होगा तो 2 लाख का तो होगा। तो ये बात को समझना है कि अगर हम खूब बढ़िया से काम करेंगे ना, तो गाय के दूध से पैसा तो उतना नहीं आएगा। गाय के दूध से पैसा सिर्फ इतना आएगा कि हम उसका गाय को मैनेज कर सकें, अपना फार्म को बढ़िया संभाल सकें, और अच्छा ब्रीडिंग पे आ गए तो उससे भी पैसा अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हर साल आप अगर 10 बछड़ी तैयार करते हैं तो 10 गाय बेच सकते हैं। एक गाय का दाम अगर आपने अपने हिसाब से 1 लाख भी रखा, आज नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड जनरेशन में तो 1 लाख+ मिलने वाला है आपको। जब फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 30 लीटर की दूध करेगी, अटर की क्वालिटी अच्छी होगी, तो कोई भी अंधा आदमी ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपए बछड़ी का दे के जाएगा। लेकिन 1 लाख में हम क्यों बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। आज गाय की इतना मारा मारी है
आप कहीं भी पता कर लो, अच्छी गाय आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर में गाय जनवरी तक के काविंग होते रहती है, अच्छी अच्छी गाय काविंग होती है, यानी 25-30 लीटर वाली काविंग होती है, यानी बच्चा देती है। लेकिन आज आप गाय ढूंढने चले जाओ, किसी सेल्समैन से फोन कर लो या कहीं गाँव देहात में ढूंढ लो, गाय नहीं मिलेगी आपको अच्छी वाली, यानी 25-30 लीटर वाली गाय तो आपको एकदम श्योर है, पहले मिल जाती थी, 20 लीटर वाली भी ढूंढो आप तो नहीं मिल रही है, इतना गाय का मारा मारी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है कि जो भाई डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग पे काम करने वाला है उसके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसा कि आज मेरी बछड़ी को 90,000 रुपया मिल रहा है, जो कि इसकी माँ का रिकॉर्ड तो मुझे पता है कि 25 लीटर दूध की है, लेकिन इसका बुल का पता नहीं। जिस दिन जैसे कि हम लोग 40-116 है, इस तरह की बछड़ी अगर काविंग होगी तो सोचिए बॉडी वेट भी होना चाहिए, साथ साथ में उसको ऐसा आर्डर की क्वालिटी, चेहरे का खूबसूरत सब कुछ अच्छा होगा, तो आप समझिए कि कितना हम लोगों को बढ़िया होने वाला है। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है, आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि आज़ाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहा है वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। यानी कि क्लियर भाषा में समझा जाए तो डेयरी फार्मिंग में अगर आपको टिके रहना है तो ब्रीडिंग करना होगा। आज हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं, ब्रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, बच्चे तैयार करने से नहीं होगा। आज भी मैं समझता हूं कि 50-60% लोगों के माइंड में ये सटा हुआ है, चिटका हुआ है एकदम, कि भाई अगर बाछी तैयार करने गए तो आप लॉस में हो, लेकिन आपका ये फ्यूचर है, इसी से आप बिजनेस में टिके रह सकते हैं। आज आप जो बिजनेस डेयरी फार्मिंग 20 साल से कर रहे हैं उनसे जाकर मिलिए, आज भी उनका यही रोना है कि कभी गाय में थनेला हो जाता है, कभी गाय को ये हो जाता है, कभी ये गाय को ये हो जाता है। आज बहुत सारे ऐसे ही हमारे अरवल जिला में एक फार्मर हैं दिलीप जी, और वो लगभग सुधा में दूध देते हैं, और शुरू से सुधा में ही दूध देते हैं, सुधा को ही दूध देते हैं, और उन्होंने ब्रीडिंग करके, आज से हम लोग लगभग 2 साल पहले ही बात वीडियो किया था, सुधा में ही दूध दे करके अच्छा खासा बछड़ी भी तैयार करके बेनिफिट ले रहे हैं, 2 साल से टिके हुए हैं फार्मिंग में। जब उनके पास भी थर्ड जनरेशन हो जाएगा, 25-30 लीटर वाली बछड़ी आ जाएगी, तो फिर उनको भी फायदा होने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग इस तरह की बछड़ी तैयार करते हैं और 25-30 लीटर तक वाली भी नहीं है, उम्मीद है इससे तो 25 लीटर दूध करने का, लेकिन हम लोग का फार्म पे हम लोग जैसे अभी शुरुआती दौर में उस तरह की गाय को 90,000 रुपये दाम मिल सकता है, तो आप ये सोचिए कि आगे फ्यूचर कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर जगह गाय महंगा है, हर जगह गाय लोग पालना कम कर दिए हैं, बछड़ी तैयार नहीं करते। जब तक हम बछड़ी तैयार नहीं करेंगे जब तक के आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया होगा अगर जो बंदा बछड़ी तैयार करेगा, जो बछड़ी तैयार नहीं करेगा उसको काफ़ी नुकसान होने वाला है, ये बात समझनी होगी। अपनी बछड़ियों की बात करें तो ऑर्डर की क्वालिटी की बात करें या फिर बॉडी वेट की बात करें, तो बॉडी वेट हमने पहले भी इसका वजन किया था, पहले से धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसका फीडिंग साइलेज वगैरह सब कुछ बढ़ाए हैं, क्योंकि मात्र 3-4 महीने बचे हुए हैं इस बछड़ी का, तो फरवरी में बच्चा देना है, मार्च आज 14 तारीख यानी समझ लो 15 तारीख मान लेते हैं अगर, तो 1.5 महीना इधर और 1.5 महीना उधर, 6 महीने कंप्लीट हो गए इस बछड़ी के। यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने मिल रहा है, काफ़ी शानदार ऑर्डर की बना रही है, 6 महीने पहले अभी इस आलम में है, आप धीरे धीरे देखें कितना ऑर्डर पे आती है, धीरे धीरे इसका हर एक चीज़ खुलता चला जाएगा, अच्छी दिखने लग जाएगी, और फिर उसके बाद मज़ा हमारे फार्म पे देखने के लिए आपको मिलेगा।
हमारे फार्म की सब बछड़ी टॉप है, एक ही बछड़ी मुझे जो पसंद नहीं है, वो लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप ये बछड़ी अच्छी है, लेकिन ये बछड़ी हम लोग सोच रहे हैं कि भुटन भाई को दे दिया जाए। भुटन जी आप रखेंगे कौन ये बछड़ी? हाँ ये नहीं रखना है, वही आपका रहेगा छोटा वाला, आपका छोटा वाला ही रहेगा, वो फिर बड़ा हो जाएगा तो वह मारेगा आपको? नहीं मारेगा। आप दिवाली बोले, आपने तो पूरा दिवाली दिवाली सब जगह दिया जलाए, उसके बारे में तो आप बोले ही नहीं कुछ। किसी को बोलिए सबको कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली कस के, हैप्पी दिवाली प्रणाम करके, प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रणाम करल जाए। तो दोस्तों दिवाली भूटन भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया, पूरा लगभग 100 दिया मंगवाया इन्होंने और दिया जलाया, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में शायद इमेजेस में आपने देखा होगा, इसमें कुछ क्लिप्स है वो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे भूटन, और फिर उसके बाद घर चले गए थे दिवाली करने के बाद, यानी हमारे यहाँ से जस्ट बगल में है घर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी बछड़ियों के बारे में ही बात कर रहे थे कि ब्रीडिंग में जो हमने 3 साल में, जो आप लोग सोचते हैं ना कि 3 साल में क्या किया, यही है वो नतीजा जो आज आपके सामने लगभग 400 kg बॉडी वेट का बछड़ी तैयार दिखने में मिल रही है, जो कि ये हमारे बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे बिहार के अंदर, बहुत उनको भी बधाई, जो काम करेगा ब्रीडिंग पे वही फ्यूचर में टिकेगा, ये आपको हमको सबको समझना होगा। जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक कि आपको हमको सबको नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी बछड़ी जो हमारे इस बछड़ी को 90,000 जिसका मिल रहा है, ये बछड़ी कैसी तैयार हो रही है, जो कि अभी इसका 5.5 महीना कम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया होगा 10 तारीख को, 5.5 महीना कंप्लीट, 6ठे महीने में इन कर गई है वो बछड़ी का 6 महीना कंप्लीट हो गया है। इस बछड़ी को 10 तारीख मतलब 15-20 दिन का आगे पीछे ये बछड़ी बच्चा देगी। और कैसा है इसका बॉडी वेट, कैसी है इसकी हाइट वगैरह, खुद कमेंट करें कितना दाम मुझे बेच देना चाहिए या रख लेना चाहिए। आप लोग सजेस्ट करें कि 90,000 रुपया मिल रहा है तो क्या बेच दिया जाए या रख लिया जाए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गाय बछड़ी रखूं या बेच दूं। थैंक यू।